राजनीति के गलियारों से चाय की दुकानों तक चर्चा बस चुनाव की, राजनीतिक पार्टियों के विकास की जमीनी हकीकत खोजने में जुटे मतदाता। विधानसभा चुनाव को कुछ गिने चुने दिन ही बचे हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के साथ मतदाताओं के ऊपर भी चुनावी रंग चढ़ चुका है। शहर के गली मोहल्लों से लेकर चाय की दुकानों तक चर्चा हो रही है तो बस चुनाव की। ऐसा ही कुछ नजारा दिखा मंगलवार को शहर की एक छोटी सी चाय की दुकान में, जहां पर बैठे लोग चुनाव की चर्चा करते नजर आए। वैसे तो मतदान गुप्त तरीके से किया जाता है, पर यहां बैठे लोगों ने अपने अपने अंदाज में अपनी समर्थित पार्टी का गुणगान करते हुए उसकी जीत का दावा किया। हालांकि चुनाव में किसकी जीत होगी किसकी हार ये तो मतदान के बाद आने वाले नतीजे ही तय करेंगे। सरकार लाएंगे, परिवर्तन परावर्तन में अंतर, परिवर्तन परावर्तन कुछ एक ही है, और आने पार्टी में लोग हल्ला कर परावर्तन देखते रहिएगा। सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी को हम मतदान करेंगे और सरकार कोई साथ में अगर मंत्री नेता छटकते तो कोई साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो भाड़े अरे भाई साथ हम खुद राजेश शुक्ला से डायरेक्ट नगर निगम में दे रहे हैं। मंत्री हम एम्बुलेंस की पाइपलाइन डरवावा काल होने नहीं डरवावा सब गाड़ियां कोरो जावे कहे फट्टे दे दी जाती भेजी, लेकिन अबे तक पाइपलाइन नहीं पड़ी। चल जाए सीवर लाइन तब ना बताओ परिवर्तन नहीं परिवर्तन तो परावर्तन हल्ला हो रहा है, तो झूठा हल्ला हो रहा है। यहाँ जो मतदाता है वो कौन है? वो सब भारतीय जनता पार्टी के मतदाता। अरे हो रहा है एक बात छोड़िए, ऐसा होता है भी करता है आपके मुख्यमंत्री में एक MBBS डॉक्टर लड़की चिल्लर फेंक के गठरी बटोर लेते आदमी जान नहीं पाओ। बैठ 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 चिल्लर बिछरा दिए होगा गठरी लेके भाग जाते। ये इनका चेहरा है, मत करिए देखते रहिए भाई। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पदाधिकारी लड़का को भगा रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं।